सारे सीनियर्स और इस स्कूल के इस कॉलेज के छात्र का कल से लगभग यही फीलिंग हो रही है कि काश एक बार हमारी उम्र वहीं पे आके ठहर जाए जहां से हमने शुरुआत की। हम लोग सभी दोस्त क्लास में आए, तकरीबन पहले तो ये हुआ कि भाई ये लोग सभी एक बैच के हैं, 78 बैच के। फिर होने लगा कि ये मैकेनिकल के हैं, ये सिविल के हैं, ये इलेक्ट्रिकल के हैं। फिर होने लगा हमारे ये सीनियर्स हैं मैकेनिकल के, ये सिविल के, ये इलेक्ट्रिकल के हैं। फिर 76 बैच के बहुत सारे खास करके मैकेनिकल के सीनियर्स जो आज भी हमारे जहन में हैं, 77 के सीनियर जो आज भी जहन में हैं, वो लोगों ने एक ग्रुप तैयार कर दिया। और जो ग्रुप बना वो ऐसा बना, इतना पक्का ग्रुप बना, हमारी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हुई कि फेविकॉल से भी तगड़ा हो गया। आज तक हमारा ग्रुप ऐसे ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सुख में दुख में। तो सबसे बड़ी बात जीवन में आपको सबसे ज्यादा जरूरत एक अच्छे मित्र की होती है, जो आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा संभावना मिलने की। और सबसे पहला काम होता है आप ढूंढे, मित्र ढूंढे, मित्र बनाए, और ऐसे मित्र बनाए जो आपके साथ में एक कॉमन एम्बिशंस में भी हो। जैसे कि वेरी फर्स्ट ईयर फ्रॉम यू हैव टू डिसाइड वेयर टू गो, व्हाट वे टू गो, और फिर आप लोग एक साथ बैठकर ये डिसाइड करें हाउ टू गो, और फिर आप लोग उसमें लग जाए कि मैं खास करके इस कॉलेज के छात्रों से मैं कहना चाहता हूं कि वे फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे बिना समय गवाए पहले ये तो डिसाइड कर ले कि मुझे करना क्या है। आज एजुकेशन बहुत ही एक हाई लेवल पे जा रहा है। आप टेक्निकल स्टडी में एकदम इनिशियल स्टेज में अभी खड़े हैं, और यहीं से आपको फ्लाई करने का आपको ग्राउंड मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है, वो जो हमारे जो मित्र जो हम बने और एक साथ में डिसाइड किए कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज पढ़ना है और कितना टाइम हमें देना है ताकि हमें हम पढ़ाई भी कर पाए और हम साथ साथ में हम इंजॉय भी करें। ये हमारे लिए बहुत ही एक अनमोल एक एडवाइस था जो हम लोगों को अपने सीनियर्स जो जस्ट सीनियर या उससे भी सीनियर से मिला। जब हम लोग तैयार ऑलमोस्ट थर्ड ईयर में गए तो फिर सीनियर्स लोगों ने ये एडवाइस किया, अब तुम तैयारी शुरू करो कि भाई कैसे तुम कंपटीशन दोगे। फिर कॉम्पिटिशन्स की हम लोगों ने वहां पे शुरुआत की। फिर वो लोगों ने उसी समय इंटरव्यू कैसे दोगे इसकी तैयारी बताया। ये जो हमारे जो सीनियर्स हैं वो आपके लिए मार्गदर्शक हैं और उनके साथ में मिलके आप आगे बढ़े। फिर कुछ सीनियर्स ऐसे भी मिले जो ऑलरेडी नौकरी में चले गए, क्योंकि जब हम लोग थर्ड ईयर में थे वही जो हमसे दो बैच सीनियर थे वो नौकरी में थे। फिर जब आए फिर उन्होंने अपना इंटरव्यू का शेयर किया, फिर उसके बाद उस इंटरव्यू में क्या था, फिर नौकरी का शेयर किया कैसे वहां पे सर्वाइव करना है, क्या मुझे करना है, फिर इसकी जानकारी दी।
मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूं कि ये गाइडलाइंस है जो आपको इमीडिएट सीनियर से या 2 साल सीनियर 3 साल सीनियर से जो आपको इजीली आपको मिल जाएगा और मिल रहा होगा। सबसे बड़ी बात आज के डेट में सीनेरियो बहुत बदल गया है और अपॉर्चुनिटी भी बहुत बढ़ गया है। पहले के जमाने में हमारे लिए सिर्फ पब्लिक सेक्टर्स की 5-7-10 नौकरियां थी, आपके लिए 1000 अपॉर्चुनिटी है। एक चीज मैं बोलूंगा, जब आप एमबीबीएस जब आप इंजीनियरिंग करेंगे, इंजीनियरिंग करने के बाद मैं यही बोलूंगा, कृपया शांत ना बैठे। कुछ भी हो, कहीं भी हो, छोटा भी प्लेसमेंट हो, जरूर जाएं और वहां पे ज्वाइन करें और उसके बाद सोचें कि मुझे आगे क्या करना है। ये नहीं कि मैं अब यूपीएससी तैयारी करूंगा, मैं एक छोटा सा प्लेसमेंट की नौकरी को मैं क्यों करूंगा। आपका जो अनुभव है, आप कहीं भी काम करेंगे, अनुभव एक ऐसी चीज है जो आपको सबसे बड़ी ऊंचाई पे लेके जाएगा। डिग्री आपका जस्ट एक एंट्रेंस, एक सर्टिफिकेट है जो किसी भी फंक्शन में जाने के लिए गेट पास है। इसके बाद आप कितना भी आगे बढ़ना चाहें, आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। वो आपका पर्सनल, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड और आपका एप्टीट्यूड और आपका इन्वॉल्वमेंट, ये सबसे बड़ी जरूरी है। नौकरी का सबसे बड़ा फंडा ये है कि बॉस इज ऑलवेज राइट। मैं फिर एक बार रिपीट करना चाहता हूं, नौकरी का सबसे बड़ा फंडा है कि बॉस इज ऑलवेज राइट। तीन चार सवाल हम बिहारियों के जहन में आता है कि सपोज करें कि आपने कोई कंपनी ज्वाइन कर ली, मेरा पहला सवाल, आप किस कंपनी में काम करते हैं? आप बोलेंगे एनटीपीसी। आप किसके लिए काम करते हैं? आप बोलेंगे कि मैं तो अपनी कंपनी के लिए काम करता हूं। आपका टारगेट क्या है? आई एम व्हाट आई असाइंड जॉब इन, दैट इज माय टारगेट। तो ये सारे चीजें जो है, ये इसकी सच्चाई और इसका सही इसका आंसर जो मेरे को इतने सालों में जो अनुभव हुआ वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, आप किस कंपनी में ज्वाइन किए हैं? मैं बॉस की कंपनी में ज्वाइन किया हूं। आप किसके लिए काम करते हैं? मैं बॉस के लिए काम करता हूं। आपके जो डेट वर्क, जो टारगेट क्या है? आप बोलेंगे बॉस ने जो अभी काम दिया वही मेरा सबसे बड़ा टारगेट है। एंड दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू माय डियर फ्रेंड।